सो हेलो एंड हाउ आर गाइस। तो आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापिस। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर देखते रहिए। तो 1 रुपए को हम एक न्यू कार में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रोसरी की शॉप पर। वहीं पे हमें 1 रुपए से चीजें देखने को मिलती हैं। सो गाइस, जितने टाइम में हम ग्रोसरी की शॉप पर पहुँच रहे हैं इतने टाइम में मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो बातों ही बातों में हम ग्रोसरी के शॉप पे पहुंच चुके हैं। अपनी हायाबूसा से उतरते हैं और देखते हैं 1 रुपए में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर खरीदने के लिए। सो गाइस, मैंने यहाँ से 1 रुपए की मेलोडी की टॉफ़ी ले ली है। जो सामने लड़की है इसे मेलोडी की टॉफ़ी कम से कम 20 रुपए में तो बेचूंगा ही। तो ये लड़की से ज़रा बातचीत करता हूँ ये मेलोडी टॉफ़ी लेने के लिए। दीदी जी, एक टॉफी लोगी क्या मेलोडी की? मैं नहीं लूंगी। अरे दीदी जी, इस टॉफी को खाने के बाद लोग बाग सुंदर हो जाते हैं, अति सुंदर। कितने की है ये टॉफी? दीदी जी, ज्यादा की नहीं, मात्र 20 रुपए की है टॉफी, मात्र 20 रुपए की। अरे 20 तो बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ इस टॉफी के 10 रुपए दूंगी। लाओ दीदी, 10 रुपए ही लाओ। ले पकड़ ला ये टॉफी, मुझे दे दे। अबे ये 1 रुपए की टॉफी इस पागल लड़की को 10 रुपए की बेच दी। ऐसी पागल बना बना के 1 रुपए से नई कार बना दूंगा। अब चलता हूँ दोबारा से ग्रोसरी की शॉप पे, चल के देखता हूँ अब 10 रुपए के अंदर इस ग्रोसरी शॉप पे क्या क्या मिलता है। तो 10 में यहाँ से मैंने डेयरी मिल्क ले ली है और अब अपनी हायाबूसा बैठता हूँ और चलता हूँ इस 10 वाली डेयरी मिल्क को कहीं बेचने। देखता हूँ इस डेयरी मिल्क को मैं कितने रुपए की बेच पाता हूँ। और यही साइड में एक और लड़की है, पिछली बार की लड़की की तरह इसका भी पागल बना देता हूँ। अब अपनी हायाबूसा पैसे उतरता हूँ और इससे डील करता हूँ। तो दीदी जी, ये डेयरी मिल्क लोगी क्या? अरे वो डेयरी मिल्क तो मुझे बहुत पसंद है। कितने वाली डेयरी मिल्क है? दीदी जी, 60 वाली डेयरी मिल्क है, 60 वाली। देखने में तो ये 10 वाली डेयरी मिल्क लग रही है। दीदी, तुम्हें तुम्हारे कुत्ते टोमी कसम, दीदी आपको ये चॉकलेट 60 रुपए में लेनी होगी। लाओ दो चॉकलेट, लो 60 रुपए। ओके दीदी जी, चलता हूँ फिर। चलो, इस लड़की का पागल भी काट दिया, ये 10 वाली चॉकलेट 60 में बेच दी। अब ग्रोसरी शॉप पे चलता हूँ, देखता हूँ अब 60 रुपए में मुझे क्या क्या मिलेगा। तो 60 रुपए में यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है। 20 साइड पर जाकर इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बहुत ज़्यादा रुपए में बेच दूंगा। तो बैठता हूँ अपनी हायाबूसा पर और चलता हूँ 20 साइड पर जाकर देखता हूँ कि इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मैं कितने रुपए में बेच पाता हूँ। सामने एक ताऊ खड़े हैं, बाइक को रोकता हूँ, पूछता हूँ ताऊ से कितने की लोगे कोल्ड ड्रिंक। जरा रहे ताऊ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो क्या? अरे ला बेटा यार, हम तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही ले लेंगे। कितने की दे रहा है, लाइक किया है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को? अरे ताऊ, 150 की दे रहा हूँ, लो हो क्या? अरे ला यार, 150 की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आने को ही दे। लो ताऊ, और कुछ तो ना मंगाना। अरे बेटा यार, एक पवा ला दिए, 900 रुपए दे दूंगा तो एक पवा ला दिए जरूर। अरे ताऊ ने तो सही काम बंधवा दिया, ताऊ को एक पौवा लायक दे दूंगा, 900 रुपए दे देंगे। तो अब ताऊ को पहला पौवा लायक दे। तो भैया आ तो गई दुकान, अब अपनी हायाबूसा से उतरता हूँ और ताऊ कहता हूँ पौवा ले लूँ। ताऊ भी हूँ अपना इंतजार कर रहे होंगे। ले तो लिया ताऊ के ताऊ पौवा और बैठता हूँ अपनी हायाबूसा पर, चलता हूँ सीधा ताऊ के पास। ताऊ कभी चले वो लेना जामे। तो ये रहा सामने ताऊ, वो तेरी यार गिरगा, मुंह में से सारा जुआन केसरी निकल गया। अरे यार अब उठो ताऊ। ताऊ रुक जा भाई, कहाँ को भागे जा रहा था, तुम्हारा पौवा लिया आया और सामने को भागे जा रहे हो। लो अपना पौवा तो ले लो, लो तो उनसे तुमने भी मंगाया है। अरे बेचा लिया आया मेरा पौवा, अल्लाह यार जल्दी अपने 900 रुपए ले और मेरा भैया पौवा दे, मुझसे ना रुका जा रहा, चखना लिया आया ना लिया आया गेल। अरे ताऊ सब काम फिट है, लो पौवा यूरा चखना यूरा, लाओ मेरा 900 रुपए और दे दो।